गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक होगा उसके अंदर बात करेंगे जो ICAR 2015 के एग्जामिनेशन में आया हुआ जो प्रवेश का जो आपका पेपर था उसके सॉल्यूशन को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। अपने लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों तक ये अपना मैटर पहुँच चुके। यहाँ पर देखिएगा, जो अपना पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन के अंदर बात करेंगे जो गाय का कोलोस्ट्रम है। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कोलोस्ट्रम जो है वो क्या होता है। तो कोलोस्ट्रम जो होता है खीस होता है, खीस को क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो गाय है, गाय के खीस के अंदर जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो कितना होता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज अपन खीस के अंदर प्रोटीन की बात करें वो कितनी होती है आपके 17। तो यहां पर जैसे आपको गाय के दूध का खीस का प्रोटीन परसेंटेज निकाला है 10%, एक आता है ऑप्शन नंबर दो है आपके 12.8%, ऑप्शन नंबर तीन है 15.5% और ऑप्शन नंबर है आपके 17.4%। तो गाय और भैंस दोनों के एवरेज दूध के अंदर जो आपका प्रोटीन परसेंटेज होता है किस में वो होता है 17। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके 15.5% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है, सिंचित क्षेत्रों में आम की रोपाई कब की जाती है। जो इरिगेटेड एरिया होता है, इरिगेटेड एरिया के अंदर अपन बात करते हैं जहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है, इरिगेटेड एरिया में जो आम है आम की रोपाई कब की जाती है। ऑप्शन नंबर एक अप्रैल टू मई है, ऑप्शन नंबर टू में सितंबर टू अक्टूबर है, ऑप्शन नंबर थ्री नवंबर टू दिसंबर है और ऑप्शन नंबर चार का है फरवरी टू मार्च है। तो यहां पर अपन बात करेंगे सिंचित क्षेत्रों के अंदर जो आम की रोपाई का जो सबसे बेस्ट जो सुटेबल टाइम होता है वो होता है अप्रैल टू मई। तो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके, फर्स्ट ऑप्शन अप्रैल टू मई के अंदर आम की रोपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा दोस्तों, अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अंगूर की अपन बात करते हैं, अंगूर को ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो अंगूर है, अंगूर का जो वानस्पतिक नाम है वो है वाइटिस विनिफेरा। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो दो है वो है विटिस विनिफेरा, जो है विनिफेस के नाम से है। तो यहां पर थोड़ा सा फेरा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो सेकंड जो ऑप्शन है इसका क्या है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चार के अंदर देखिएगा, किसकी खेती के विकास के लिए बीज अधिक प्रासंगिक है। तो यहां पर देखिएगा बीज अधिक प्रासंगिक का अर्थ ये होता है सर्वाधिक जो आपका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो निम्न में से किसका है, एक आता आपका गन्ना है, नंबर दो है आपका राइस है, नंबर तीन आपका मक्का है और नंबर चार क्या है आपका स्मॉल मिलेट। तो मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपका मक्का है, मक्का का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो 85 to 90% होता है, जो कि क्या होता है सर्वाधिक। तो यहां पर क्या है, किसकी खेती के लिए बीज अधिक प्रासंगिक है, यहां पर जर्मिनेशन जो है परसेंटेज सबसे ज्यादा जो है वो किसका होगा, मक्का का। ऑप्शन नंबर तीन इसका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो पांच है, क्वेश्चन नंबर पांच की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांच के अंदर अपन बात करते हैं, निम्न में से किस फसल के लिए पेडी को अपनाया जाता है। तो पेडी का जो अर्थ होता है, पेडी की अपन बात करेंगे जिसे रेटून क्रॉप के नाम से अपन जानते हैं, जिसे पहले की क्लास के अंदर मैंने बताया था, ये जिसे आपके गन्ना है। तो गन्ने का जब तना मैच्योर हो जाता है तो उस गन्ने की जो यहां से है वो कटाई कर ली जाती है, फिर ये छोटे तने हैं वो पूरे तने का निर्माण करते हैं और नई फसल ली जाती है। इस नई फसल को पेडी फसल या रेटून क्रॉप कहा जाता है। तो ये मोस्टली किसके अंदर होता है, ये आपके मोस्टली गन्ने की फसल के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर पांच का जो राइट आंसर है वो है आपके क्वेश्चन नंबर जो पांच है उसके अंदर ऑप्शन नंबर चार है वो है। नेक्स्ट देखिएगा, एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए फल व सब्जियों में किया जाने वाला तप्त जल उपचार कहलाता है। तो देखो, फल व सब्जियों को अपन क्या करते हैं, एक ब्लांचिंग की क्रिया होती है, उस ब्लांचिंग की क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, उनको निष्क्रिय एंजाइमों को निष्क्रिय किया जाता है, उनकी गंदगियों को हटाया जाता है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं ब्लांचिंग। अब बात करते हैं ब्लांचिंग क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे फल व सब्जियों को अपन क्या करते हैं 2 to 5 minutes तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उसके जो एंजाइम है वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ब्लांचिंग कहा जाता है। तो वहां एंजाइमों की क्रिया को निष्क्रिय करने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको 2 to 5 minutes तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन, ये जो ऑप्शन नंबर आपका चार है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात में देखिएगा, आम के पूरी तरह उगे हुए वृक्षों
के बाग में उगाई जाने के लिए उपयुक्त जो आपका अंतर फसल है वो। यहाँ सीधा सा सीधी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि आपने आम का बगीचा लगाया है, यहाँ पर आपने आम का बगीचा लगाया है और इस आम के बगीचे में जैसे यहाँ आपने लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ऐसे आपने प्लांटिंग लगाया, तो यहाँ अंतर फसल के रूप में आप निम्न में से कौन सी फसल को लेना चाहोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जैसे बैंगन है, ऑप्शन नंबर सेकंड अदरक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है और ऑप्शन नंबर चार क्या है आपके टमाटर है। तो यहाँ देखा होगा बैंगन, मिर्च और टमाटर क्या है, ये जैसे भूमि से ऊपर की ओर लगते हैं, जबकि जो अदरक होता है ये अंडरग्राउंड होता है जिससे आम के प्लांट को कोई नुकसान नहीं करता, तो वहाँ अंतर फसल के रूप में जो आपका जिंजिबर है, अदरक है, उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है राइट आंसर है। उसके बाद हम देखिएगा वीर्य को तनु बनाने के लिए मिलाया जाता है। देखो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया था कि जैसे नर पशु से वीर्य इकट्ठा करने के बाद में उसका तनुकरण किया जाता है और उसमें अंडपीत फास्फेट और अंडपीत ग्लाइफोसेट अंडे की जर्दियां मिलाई जाती है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर एक है अंडे की जर्दी, पानी, बर्फ और नमक का घोल। तो यहां पर सीधी सी बात है अंडपीत फास्फेट और अंडपीत ग्लाइफोसेट अंडे की जर्दियां वहां पर मिलाई जाती है क्योंकि उसके आयतन को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है और फिर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन के साथ उसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 जो है आपके हद्दा ब्रक किस फसल का प्रमुख नासी जीव है। ठीक है, तो हद्दा ब्रक की अपन बात करेंगे, हद्दा ब्रक जो है वो मोस्टली किस फसल में लगता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर एक है बंद गोभी में, ऑप्शन नंबर दो है आलू में, ऑप्शन नंबर तीन है टमाटर में और ऑप्शन नंबर चार क्या है आपके बैंगन में। तो यहां अपन बात करेंगे हद्दा ब्रक जो है वो किसके अंदर लगता है, मोस्टली आपके आलू की फसल के अंदर लगता है। नेक्स्ट देखिएगा अल्प अवधि की फसल तोरिया मुख्यतः कब उगाई जाती है। तो जो अल्प अवधि की जो फसल होती है वो मुख्यतः कब उगाई जाती है, तो यहाँ पर अल्प अवधि की जो फसल है वो कैच क्रॉप के रूप में भी कई बार उगाई जाती है। तो पहला है ग्रीष्म मौसम में, खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, शरद के मौसम में। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो क्या है आपकी पूरी सीजन होती है, लेकिन गर्मियों का जो समय होता है जायद के समय अपन तोरिया को लगाकर अपन कैच क्रॉप के रूप में उत्पादन ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा बीजोपचार के लिए सामान्यतः थ्रेम का उपयोग किस दर पर किया जाता है। तो जो बीजोपचार है, बीजोपचार के लिए सामान्य जो थ्रेम है उसका जो उपयोग है वो कितनी मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे आपने देखा होगा एक होता है आपका कैप्टान और एक होता है आपका थायरम। तो कैप्टान और थायरम की अपन बात करेंगे, कैप्टान और थायरम की मोस्टली 2-3 ग्राम मात्रा अपन काम में लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा प्रति केजी बीजों को उपचारित करने के लिए कैप्टान या थायरम की 2 ग्राम मात्रा काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, समय पर बोई गई गेहूं की फसल के कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है। तो यदि अपन क्या करते हैं, यदि गेहूं की फसल लेते हैं तो गेहूं की फसल के लिए सामान्य परिस्थितियों में कितनी क्रिटिकल स्टेज आती है, तो मोस्टली 6 स्टेज आती है, लेकिन यहां पर 5 से 6 जो स्टेज है वो उसको राइट आंसर अपने को देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा अरसाली गन्ना किस फसल की अवधि है। आपने देखा होगा इकसाली गन्ना होता है 12 महीने का होता है, अड़साली जो गन्ना है, अड़साली गन्ने की अपन बात करते हैं तो अड़साली जो गन्ना होता है ये कितने दिन का होता है आपके 18 दिन का होता है। तो यहां पर देखिएगा जो 18 महीना है वो क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अपना देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या है आपका 18वां राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 द्वितीयक पोषक तत्व है, तो निम्न में से द्वितीयक जो पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व की अपन बात करेंगे। देखो मैंने बताया था आपको एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, जो एनपीके है आपका ये क्या है प्राइमरी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, ये आपके क्या है सेकेंडरी है। तो यहां पर देखिएगा जो CAMGS जो है वो क्या है आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्दी हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी है, तो वर्दी हार्मोन्स के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो शाकनाशी है वो कौन सा है। तो यहां पर देखिएगा पहला है 2,4-D, नंबर 2 है आपका पेंडीमिथालीन, नंबर 3 है एलाक्लोर और नंबर 4 क्या है आपका मेट्रोब्यूजिन जो है। तो यहां पर देखिएगा 2,4-D जो होता है ये आपके शाकनाशी और वर्दी हरी हार्मोन दोनों का कार्य करता है, तो इसलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें देखिएगा
जायद की फसल कब उगाई जाती है? तो जो जायद है, जायद की फसल को कब उगाया जाता है, तो आपने देखा होगा जैसे आपका जून टू अक्टूबर है, एक आता है फरवरी टू मई है, एक आता है मई टू जुलाई है, एक आता है सितंबर टू अक्टूबर है या दिसंबर है। तो यहाँ देखा होगा आपने जो आपका फरवरी टू मई है, इसके बीच के अंदर जायद की फसल को मुख्य रूप से उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, पूसा 509 जो है वो किसकी वैरायटी है? तो यहाँ पर पूसा जो 1509 है वो मोस्टली किसकी वैरायटी है? वो वैरायटी है आपके सोयाबीन की वैरायटी है। उसके बाद में देखिए जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गौ पशु की भार ढोने वाली किस्म है? तो यहां पर अपने को क्या करना है कि निम्न में से जो गाय की ऐसी नस्लों को पहचानना है जो मोस्टली बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती है। तो बोझा ढोने के लिए देखिएगा, साहिवाल और लाल सिंधी क्या है? दुधारू नस्ल है। नागौरी और हल्लीकर क्या है? आपके भारवाही नस्ल है। अंगोल और हरियाणी ये क्या है? आपकी द्विप्रयोजनी है। कांकरेज क्या है? आपके भारवाही है। लेकिन गिर क्या है? आपके दूधारू है। तो यहां पर सटीक जो ऑप्शन बैठ रहा है वो नागौरी और क्या है आपका हल्लीकर। नागौरी सबसे सर्वोत्तम प्रकार की आपकी भारवा गाय की नस्ल मानी जाती है। भैंसों का दुग्ध काल होता है, तो यहां पर देखिएगा जो भैंस होती है, भैंस का जो दूध काल होता है वो कितने दिन का होता है? तो सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो भैंस का दूध काल होता है वो बेटा होता है आपके 300 डेज का। तो यहां पर अपन बात करेंगे माह के अंदर देर का है, 7 से 9 माह, 5 से 6 माह, 10 से 11 माह और एक 12 से 13 माह। तो यहां पर 10 से जो 11 माह है वो क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमांथी शाकभोजी पशु है? तो देखिएगा रोमांथी का मतलब ये होता है जो पशु जुगाली करता है उस पशु को रोमांथी पशु कहा जाता है। यहां पर अपन बात करेंगे शाकभोजी है वो शाकाहारी है लेकिन कैसा है? एरोमांथी है। तो आपने देखा होगा गाय, भेड़, बकरी ये तीनों क्या है आपके रोमांथी पशु है, लेकिन यहां खरगोश जो है शाकभोजी है लेकिन ये जुगाली नहीं करता। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोयाबीन है, सोयाबीन के बारे में आपने पहले भी क्वेश्चन देखा होगा। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिक नेम की बात करेंगे, ग्लाइसिन मैक्स इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। टिक्का रोग किसमें पाया जाता है? जो टिक्का रोग है, टिक्का रोग की अपन बात करेंगे, टिक्का जो डिजीज है वो आपकी मूंगफली की फसल में होता है। पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जैसे आपकी मूंगफली की लीफ है, मूंगफली की लीफ में यहां पर क्या होता है, स्पॉट तैयार होता है और ये जो स्पॉट होता है इस स्पॉट में काले और ब्राउन रंग के धब्बे बनते हैं। तो ये होता है सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, दो प्रकार के फंगस होते हैं उसके द्वारा होता है। यहां सिंपल सी बात है ये किसमें होता है, तो मूंगफली के अंदर ये रोग होता है। नेक्स्ट देखिएगा फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? तो फूल गोभी जो होता है उसके अंदर जो ब्राउनिंग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो यहां अपन बात करेंगे फूल गोभी के अंदर जो ब्राउनिंग होता है, जो भूरापन है वो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर है। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो यहां पर देखिएगा पाचक जो एंजाइम है वो कहां पाए जाते हैं? आपने देखा होगा जो एंजाइमों का जो पाचन है वो कहां पर किया जाता है? तो यहां पर राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी का और एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाचक एंजाइम जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है, तो आपने देखा होगा जो कपास होता है, कपास के अंदर आपका पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट बहुत ज्यादा अटैक करता है और उस अटैक को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके चारों ओर मोस्टली भिंडी की क्रॉप लगाई जाती है। तो यहां पर भिंडी क्या है आपके, ये आपके फंदा क्रॉप है। 27 के अंदर आइएगा, ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई है, जो सिंचाई की ड्रिप विधि है वो कहाँ विकसित की गई है, कहाँ से विकसित की गई है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रिप की जो सिंचाई की जो विधि है वो आपका जो इजराइल देश है, इजराइल देश के द्वारा ये डेवलप की गई विधि है। तो यहाँ 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके इजराइल सेकेंड नंबर का ऑप्शन क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 27 के अंदर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो देखिएगा श्वेत क्रांति जो है, सबसे पहले अपन बात करेंगे श्वेत क्रांति क्या है। आपने देखा होगा एक होता है ग्रीन रेवोल्यूशन और एक होता है व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था खाद्यान्न उत्पादन से था और डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति का जनक था। उसी प्रकार श्वेत क्रांति का जो जनक था वो तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो था वो इसका जनक था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 28 में,
एकांतर फलन किसकी समस्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली एकांतर जो एकांतर फलन होता है वो आपके आम के फल में होता है, एक साल फल लगते हैं और दूसरे साल फल नहीं लगते। जिस साल फल लगते हैं उसे ऑन ईयर और जिस साल फल नहीं लगते उसे ऑफ ईयर के नाम से जाना जाता है। 29 में देखिएगा, साइट्रिक अम्ल बनाने के लिए शर्करा का किण्वन किया जाता है। तो साइट्रिक एसिड बनाने के लिए शर्करा का जो किण्वन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर देखिएगा, शर्करा का जो किण्वन है वो किसके द्वारा किया जाता है? एस्परजिलस नाइजर के द्वारा इसका किण्वन किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो देखिएगा, जो पादप है वो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूरिया में, डीएपी में, नाइट्रेट में, और एक होता है नाइट्रोजन में। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन को पौधा जो है वो NH4 प्लस और एक होता है NO3 जो माइनस होता है, उस नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम के रूप में उसको क्या करता है, एब्जॉर्मेशन करता है। तो यहां पर जो 30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, राइट आंसर है। 31 के ऊपर आइए, गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवस्था है। तो गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की जो क्रांतिक अवस्था है वो क्रांतिक अवस्था कब आती है? तो यहां अपन बात करेंगे गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो कितने दिन की होती है आपके, वो होती है आपके 30 से 45 दिन की। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आइएगा आप, रबी मक्का की उन्नत किस्म है। तो यहां पर देखिएगा, रबी जो मक्का है, रबी मक्का की यहां पर अपन बात करेंगे विक्रम, ये खरीफ की ऋतु की आपकी क्रॉप है, हेमंत भी खरीफ है, तरुण भी क्या है, खरीफ है, लेकिन जो प्रभात वैरायटी है ये रबी मक्का की वैरायटी है। 33 में पूसा रेड किसकी प्रजाति है? आपने देखा होगा पूसा रेड, नासिक रेड जो वैरायटियां है, तो पूसा रेड की बात करेंगे। पूसा रेड जो वैरायटी है वो आपके जो प्याज है, प्याज की वैरायटी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो कहां स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो आपके यहां पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है आपका मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 3 है नागपुर महाराष्ट्र में, और एक आता है नासिक महाराष्ट्र में। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है वो कहां स्थित है? आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है वो है आपका सुक्रोज का अणु बना होता है। तो यहां पर अपन बात करेंगे सुक्रोज का जो अणु है वो बना होता है, उसके अंदर अपन बात करेंगे सुक्रोज के अणु की बात करेंगे, वो ग्लूकोज प्लस फैक्ट्रोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस माल्टोज से, और ग्लूकोज प्लस रेफिनोज से। तो यहां पर सुक्रोज का जो अणु है वो किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस फैक्ट्रोज के द्वारा ये अणु मिलके बना होता है। 35 के अंदर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक पशु धन संख्या निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक पशुधन संख्या जो है निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यहां पर अपन बात करेंगे, एक होता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो इनमें देखिएगा जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुधन की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 37 में गाय का गर्भकाल होता है। तो गाय के गर्भकाल की अपन बात करेंगे, गाय का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? तो यहां पर देखिएगा, गाय का जो गर्भकाल है वो है 263 दिन का, 273 दिन का, 283 दिन का, और एक होता है 293 दिन का। तो गाय का जो गर्भकाल होता है इसमें सबसे सूटेबल जो आंसर है वो देखिएगा, गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है मोस्टली 270 से 280 दिन। अब ऐसी कंडीशन केस के अंदर इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन केस के अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वो सबसे उपयुक्त राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होता है। तो आपका FMD डिजीज होता है, ये मोस्टली आपके जैसे एक बैक्टीरियल डिजीज थी, एक वायरल डिजीज थी, एक आता है जैसे आपके प्रोटोजोआ जनित थी, एक मेटाबॉलिक बीमारी थी। तो FMD और पशु प्लेग होता है, ये आपकी वायरल डिजीज होती है। 39 पे आइएगा, सिंगल सुपर फास्फेट में होते हैं। तो जो आपका SSP होता है, SSP के अंदर क्या होता है? तो यहां पर देखिएगा, SSP के अंदर अपन बात करेंगे, SSP के अंदर एक होता है आपका जैसे फास्फोरस होता है, एक आपका सल्फर होता है, और इसके अलावा कैल्शियम भी इसके अंदर उपस्थित रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है इसका, राइट आंसर है।
नेक्स्ट देखिएगा जमनापरी और बारबरी किसकी नस्ल है। तो जमनापरी और बारबरी जो बकरी की नस्लें हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो यहां सीधी सी बात है कि आपके यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नस्ल किस पशु की है। तो जमनापारी और बारबरी दोनों क्या है, आपके बकरी की नस्ल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इसलिए आप आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 है, धूम्रनाल तकनीकी संबंधित है। तो यहां पर बात करेंगे धूम्रनाल जो तकनीकी है वो किससे संबंधित है। तो धूम्रनाल तकनीकी की बात करेंगे, जैसे एक है आपके कपास से, नंबर दो है आलू से, तंबाकू से और गन्ने से। तो आपने देखा होगा धूम्रनाल तकनीकी तंबाकू की जो रचाई या क्यूरिंग की जो क्रिया है उसमें से एक है। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा 42 के अंदर पक्षीनिया जो पथ संबंधित है, पक्षीनिया पथ किससे संबंधित है, गेहूं का कंडवा, गेहूं का रतवा, गेहूं का बंट और गेहूं का मुरझान। तो पक्षिया देखो पक्षिनिया क्या होता है, पक्षिनिया जो गेहूं की रोली होती है, गेहूं की रोली का जो रोगजनक है, पैथोजन है, वो क्या है, पक्षिनिया। जैसे मैं आपको विस्तारित रूप से बताऊं, गेहूं के अंदर 3 प्रकार की रोली होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन और एक होता है आपका येलो। पक्षिनिया ग्रेमिस टेटिसाई, एक आता है पक्षिनिया ग्रेमिस स्ट्राइपफॉर्मिस, एक आता है पक्षिनिया रिकॉन्डेटा। तो आपका क्या है, जो आपका रतवा होता है, ये रतवा क्या है, आपका रोली रोग है। इसलिए ये जो पक्षिनिया है वो किसके द्वारा होता है, आपके ये सॉरी रतवा जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, पक्षिनिया के द्वारा। नेक्स्ट 43 के अंदर आइए, फल उत्पादन के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना है। तो फल प्रोडक्शन के लिए मृदा का सबसे बेहतरीन जो उपयुक्त पीएच होता है, देखा होगा आपने 6 से 7, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, वो क्या है, इसका राइट आंसर है। बाकी 6.5 से 7.5, 7.5 से 8.5, 6 से 8, तो सबसे सर्वोत्तम यदि दे रखा है तो पहले ऑप्शन को अपन राइट मानेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, तिलहनी फसलों में तेल संश्लेषण में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। तो तिलानी फसलों में तेल संश्लेषण के लिए किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहां पर अपन बात करेंगे, देखिएगा एक आता है बोरोन, एक आता है लोहा, कैल्शियम और गंधक। तो अपन बात करेंगे तेल वाली फसलों में तेल निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त जो न्यूट्रेंट्स होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे उपयुक्त न्यूट्रेंट्स की बात करेंगे, वो न्यूट्रेंट्स कौन सा है, आपका गंधक है। उसके बाद में देखिएगा 44 मोथा साइप्रस जो स्पेसीज का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है। जो आपका ऑप्शन देखिएगा, मोथा जो है, मोथे के अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, साइप्रस रोडेंटस इसका नाम है, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, कंद के द्वारा और बीज के द्वारा। तो इसका जो कंद है उसको अपन क्या बोलेंगे, राइजोम। तो यहां पर जो नंबर 3 ऑप्शन है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। 46 के अंदर आइएगा, 46 के अंदर अपन बात करेंगे गन्ने में बीजोपचार किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो गन्ना है, गन्ने के अंदर अपन बात करे थे एग्रोसान जीएम या एग्लोल जो है, एरिटोन और एग्लोल के द्वारा अपन बीजोपचार करते हैं। तो यहां एग्लोल और एरिटोन ऑप्शन में नहीं है, बाविस्टिन, विटावैक्स, बोरिक एसिड और गंधक। तो इसमें से जो सेकंड आपका विटावैक्स वो सबसे उपयुक्त आंसर माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप 44 के अंदर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की अपन बात करेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। तो यहां इसका पूरा नाम इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का अर्थ क्या होता है, दालों का जो इंस्टीट्यूट होता है, पहले भी हमने पढ़ा, ये कहां है, आपके कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा एनबीपीजीआर का पूरा नाम क्या है। तो एनबीपीजीआर जो है, एनबीपीजीआर की अपन बात करेंगे, एनबीपीजीआर का पूरा नाम जो है देखिएगा NBPGR, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो देखेगा। तो यहां पर अपन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ऑप्शन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेगा 49 के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, ICAR पूछा जा रहा है यहां पे, भारतीय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपके कहां स्थित है। तो ये आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 जो है,
पत्ती की कोरों पर बैंगनी किसकी बैंगनी रंग किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा जो पत्ती है, पत्ती की किनारों के ऊपर बैंगनी रंग के जो सिम्टम्स है वो किस तत्व की कमी से आते हैं। जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर पढ़ा, वहां आपने क्लियर सा पढ़ा कि मक्का की जो पत्तियां हैं उसका बैंगनी रंग जो होना है वो किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। तो ये किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से। तो ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन था, वहां पे राइट आंसर जो है वो क्या है आपका? फास्फोरस। इस प्रकार से जय जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो आपका पेपर नंबर जो आपके 2015 था वो आपका क्लियर है। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ICAR का पेपर नंबर 14 मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और आपके लिए एक विशेष सूचना देना चाहूंगा कि जल्दी आपकी ICAR और JET की जो एग्जाम है इसकी तिथि घोषित की जाएगी, इसलिए आप अपनी पूरी पुरानी तैयारी के अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से वापस पढ़ने लग जाए। धन्यवाद।